हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये 2-in-1 मास्क। इस मास्क को आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो और इसको बनाना बहुत इजी है। आपको बिना मेज़रमेंट लिए मैं बताऊंगी कि ये मास्क आप कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको मेज़रमेंट लेने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आप ठीक तरीके से मेज़र नहीं कर पाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये दो कलर के दो फैब्रिक ले लिए हैं और इनको डबल फोल्ड कर दिया है मैंने। तो आप देखिए इस तरीके से हमारे पास इसकी 4 लेयर रेडी हैं। अभी अब हमको क्या करना है, जो भी आपका फेवरेट मास्क हो आप वो मास्क ले लें और जिसकी फिटिंग आपको एकदम सही आती हो आप वो मास्क लें और उसको हमारे कपड़े के ऊपर रख दें। जिसका भी आपको मास्क बनाना है उसके ऊपर इस तरीके से आप रख दें। और अब क्या करना है, हमको इसके ऊपर हमको पेन से निशान लगा लेना है। तो ये मैं थोड़ी सी दूरी से ये निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। हमारे मास्क का जो शेप है उसी को फॉलो करते हुए हम ये निशान लगा लेंगे। आप थोड़ी सी दूरी से ही निशान लगाएं क्योंकि हमको सिलाई करने में थोड़ा सा चला जाएगा इसलिए, बट ज़्यादा दूरी पर ना लगाएं वरना फिर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम हो। इससे अच्छा है कि आप पहले ही थोड़ी सी दूरी पर लगाएं। तो ये मैंने लगा लिए हैं निशान। अब हमको क्या करना है, इसको कट कर लेंगे हम। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और अभी हमारे पास इसकी 4 लेयर हो चुकी हैं, मतलब 2 वाइट कलर के कपड़े की और 2 क्रीम वाले की। तो अभी क्या करना है, हमको गोलाई में इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाना है। बट उससे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारे फैब्रिक की जो सीधी वाली साइड थी उसको हमको अंदर की तरफ रखना है। ये देखिए इस तरीके से उसको अंदर कर दें और जो उल्टी वाली साइड है ना हमको वहाँ से ऐसे सिलाई लगाना है। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ पेन से और उसी को फॉलो करते हुए मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो मैं इस पर डबल सिलाई कर रही हूँ ताकि अच्छा मज़बूत बने। आप भी इस पर डबल सिलाई कर दें वरना सिलाई निकल भी सकती है एक सिलाई में, क्योंकि हमने बहुत पास से सिलाई लगाई है इसलिए आप डबल सिलाई कर दें। और अभी सेम इसी तरीके से मैं दूसरे वाले फैब्रिक के ऊपर भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पर भी सिलाई लगा ली है और ये दोनों पर हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इनको सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर उसी तरीके से जो हमारी सीधी वाली साइड है ना आप उसको अंदर की तरफ रहने दें और दोनों फैब्रिक को इस तरीके से मिला लें आपस में। और बस ध्यान रखें कि जो हमारा सीधा वाला साइड है फैब्रिक का वो अंदर रहने दें। तो ये देखिए इस तरीके से ये अंदर है और उल्टी वाली साइड है जो हमको बाहर दिख रही है। और यहाँ पर दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे लंबाई में। तो मैं इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेती हूँ। और इस पर भी मैं डबल सिलाई ही लगा रही हूँ। तो आप लोग भी ना डबल सिलाई लगाएं, अच्छा मजबूती आ जाती है उससे, बस और कुछ नहीं है।
तो मैं दोनों साइड सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। बहुत इजीली ये सीधा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और अब हमको क्या करना है, इसमें लगाने के लिए हमको चाहिए इलास्टिक। तो ये जो पतली वाली इलास्टिक होती है जो कि मास्क में लगाई जाती है, वो मैंने इलास्टिक ले ली है और उसको भी हम जो हमारा रेडीमेड मास्क है उसकी इलास्टिक के हिसाब से ही मेज़र कर लेंगे और थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि वो सिलाई में चली जाए। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक को भी कट कर लिया है और अभी क्या करेंगे हम, इलास्टिक लगाने से पहले यहाँ पर इस तरीके से एक एक सिलाई को और लगा देंगे ताकि ना इससे क्या होता है कि अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और ये जो इस तरीके से हमारा मास्क फूला फूला सा उठा उठा सा दिख रहा है ना, वो नहीं दिखेगा, है ना। मतलब इसकी सिलाई जो है वो अच्छे से दब जाएगी। आप चाहें तो इस पर एक बार आयन भी कर सकते हैं, फिर आपका अगर मन हो तो आप ये सिलाई ना करें तो भी चलेगा। तो अच्छी तरीके से मैं तो इस पर सिलाई लगा लेती हूँ और ये मास्क सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। वो तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया है, वरना ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो आप अपनी कोई भी ड्रेस की मैचिंग का मास्क बना सकते हो इसी तरीके से। अब हम इसमें हमारी इलास्टिक को लगा देंगे। तो उससे पहले हम ये इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ताकि इसके जो धागे दिख रहे हैं वो अंदर चले जाएं सारे, इसलिए आप इसको पहले ऐसे फोल्ड कर लें और फिर जो हमारे कॉर्नर है ना उनसे थोड़ी सी दूरी पर आप इलास्टिक को रखें ये और इनको लगा दें। तो मैं दोनों साइड सेम इसी तरीके से इलास्टिक को लगा देती हूँ। ये देखो एक साइड लग गई है, इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ। और हाँ, अगर आपका मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मास्क भी रेडी है, मैंने इलास्टिक को अच्छे से डबल सिलाई करके लगा दिया है और बिना मेज़रमेंट लिए हमारा मास्क कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। तो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक